पानीपत के समालखा के पट्टी कल्याणा केंद्र स्थित सेवा साधना एवं ग्राम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुखों की कार्यशाला शुरू की गई। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित भाजपा के कई पदाधिकारी संबोधित करेंगे। इस कार्यशाला के दौरान मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा गीत को भी जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कार्यशाला में शक्ति केंद्र प्रमुखों सहित करीब 4000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है बैठक का? आज हमारा मुख्य उद्देश्य है 2024 के चुनाव की एडवांस में तैयारी, और उसके लिए हमारी आज 6 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के पालक, मंडल के प्रभारी, और इन 6 लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे विधायक हैं और 6 हमारे सांसद हैं, और इसमें हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इस प्रकार से ये लगभग 3000 कार्यकर्ताओं की एक सूचीबद्ध कार्यकर्ता जो यहाँ पर मशीन के द्वारा कोड को स्कैन करने के बाद एंट्री होगी। ये उद्देश्य क्या इस बैठक का, क्या तैयारी है? आज पट्टी कल्याणा में ये स्किल सेंटर है, जो इसके अंदर 7 जिलों के हमारे कार्यकर्ताओं के पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र उन सब की मीटिंग प्रशिक्षण के तौर पर की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, संगठन के सभी लोग आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष सभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है पूरे देश में सबसे मजबूत पार्टी है, जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय स्तर से लेके नीचे पन्ना प्रमुख तक हर कार्यकर्ता, या तो किसी को पालक मिलेगा, शक्ति केंद्र का प्रमुख मिलेगा, या बूथ अध्यक्ष मिलेगा, या BLA 2 मिलेगा, जिस प्रकार से मतलोडा गांव में 52 नंबर बूथ है, मैं उसका पालक हूँ, 1144 वहाँ की वोट है,